अस्सलाम वालेकुम जी, आज का स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब है रगड़, रुकावट। हमने कभी ऑब्जर्व किया है कि साइकिल चला रहे हों और हम साइकिल चलाते हुए अचानक से पैडल मारना बंद कर दें, पैडल चलाना बंद कर दें, तो आहिस्ता आहिस्ता से साइकिल क्या होना शुरू हो जाएगी, स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगी। वो स्लो डाउन किसकी वजह से हो रही है? साइकिल के पहिए और रोड के दरमियान क्या मौजूद है? फ्रिक्शन। उस फ्रिक्शन की वजह से साइकिल स्लोली स्लोली स्लो डाउन होता जाएगा और एट लास्ट क्या करेगा, स्टॉप कर जाएगा। तो आइए तफसीलन देखते हैं फ्रिक्शन क्या चीज़ है, इसका मुख्तलिफ बॉडीज़ के अंदर क्या रोल है, फ्रिक्शन को कम कैसे किया जा सकता है, फ्रिक्शन को ज़्यादा कैसे किया जा सकता है, फ्रिक्शन से बचा कैसे जा सकता है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसके क्या हमारे पे इफ़ेक्ट हैं। तो देखते हैं जी, सबसे पहले तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन को हम देखते हैं। फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स। फ्रिक्शन एक फोर्स है जो क्या करती है, दैट अपोजिज द मोशन ऑफ अ बॉडी। फ्रिक्शन द फोर्स दैट अपोजिज द मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग ऑब्जेक्ट और बॉडी इज कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो क्या करती है, हमेशा चीज़ों की मोशन के रास्ते में रुकावट पैदा करती है। अगर आप किसी चीज़ को मोशन देना चाहें या किसी चीज़ की मोशन कम करना चाहें, ड्रैग करना चाहें, खींचना चाहें, धकेलना चाहें, तो उसके नतीजे में जो चीज़ रुकावट पेश करेगी, जो चीज़ मज़ाहमत करेगी, जो चीज़ रोकेगी, उस चीज़ का नाम क्या है? फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन द फोर्स दैट अपोजिज द मोशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, एक ऐसी फोर्स जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स, हरकत करते हुए जिस्म, हरकत करती हुई बॉडीज की मोशन को कम करती है, क्या करती है जी, उसमें कमी लेके आती है, उस फोर्स का नाम क्या है? फ्रिक्शन। अब आइए हम फ्रिक्शन की बात किन में करेंगे। फ्रिक्शन बेटे सॉलिड्स में भी होती है, फ्रिक्शन लिक्विड्स में भी होती है, फ्रिक्शन गैसेस में भी होती है, फ्रिक्शन प्लाज्मा में भी है, लेकिन हम खास तौर पे यहाँ किन की बात करेंगे, फ्रिक्शन इन सॉलिड्स। हम फ्रिक्शन किन में देखेंगे, सॉलिड्स के अंदर देखेंगे कि सॉलिड्स के अंदर फ्रिक्शन किस तरह से असरअंदाज होती है, उसमें कितने फैक्टर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। सो हमारा मेन मकसद फ्रिक्शन किन में है देखना, फ्रिक्शन इन सॉलिड्स, सॉलिड्स के अंदर फ्रिक्शन का क्या रोल है। तो बेटे सॉलिड आप जानते हैं, सॉलिड ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसमें क्या हो, फिक्स उसका हुजम हो, जो अपनी शेप चेंज, फोर्स के विदाउट अपनी शेप चेंज ना करे, दैट इज सॉलिड। तो सॉलिड्स के अंदर फ्रिक्शन पे कितने फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, सॉलिड में फ्रिक्शन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कितने हैं, सॉलिड्स में फ्रिक्शन कम या ज़्यादा करने वाले फैक्टर्स कितने हैं? दो फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर्स, क्या लिखेंगे हम, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन इन सॉलिड्स। सॉलिड्स के अंदर फ्रिक्शन पे असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स कितने हैं? दो। कौन कौन सा? सबसे पहला है नेचर ऑफ द सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट। दो जो सरफेस एक दूसरे को टच कर रहे हैं उन्हीं के दरमियान फ्रिक्शन है ना, उनकी नेचर क्या है। मसलन टायर और रोड, टायर अच्छा हो, रोड भी स्मूथ हो, बड़ा जीटी रोड मोटरवे की तरह रोड हो, तो फ्रिक्शन क्या होगी, रुकावटी फोर्स क्या होगी, थोड़ी होगी। टायर घिसा पिटा हो, पुराना टायर हो और रोड भी क्या हो जी, ये पसरूर सियालकोट रोड हो या बड़ा ही रफ किस्म का मडी रोड हो, कीचड़ वाला रोड हो, तो क्या होगी, उस रोड की पकड़ क्या होगी, ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, किस चीज़ के लिए, मूवमेंट के लिए, साइकिल को ड्राइव करने के लिए, चलाने के लिए। इसका मतलब सरफेस टू सरफेस फ्रिक्शन क्या करती है, वेरी करती है। सरफेस अच्छा, अगर दो सरफेसेस अच्छे हैं तो फ्रिक्शन थोड़ी होगी, अगर दोनों सरफेसेस जो आपस में कॉन्टैक्ट में हैं वो रफ़ हैं, बड़े घटिया घिसे पिटे हैं, तो फ्रिक्शन क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ऐसा ही है क्या, ऐसा नहीं है, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये सारे फैक्टर्स देखते हैं, महसूस करते हैं। दूसरा फैक्टर फ्रिक्शन को इफेक्ट करने वाला, दैट इज़ नॉर्मल प्रेसिंग फोर्स, जो फोर्स क्या करे, प्रेस कर रही हो। सो देखिए
द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर. फर्स्ट वन इज अ इन कॉन्टैक्ट एंड प्रेसिंग फोर्स. सेकेंड फैक्टर इज, दूसरा फैक्टर क्या है, प्रेसिंग फोर्स. प्रेसिंग फोर्स क्या है, ये फर्ज कीजिए ये हमारे दो पाम हैं, हथेलियाँ हैं. इन हथेलियों को देखिए, अगर इन हथेलियों को हम इन टच करें, आपस में मिलाएं और बड़े स्मूथली बड़े आराम से रब करें, तो फ्रिक्शन ज़्यादा महसूस होगी, थोड़ी ऑफ कोर्स थोड़ी महसूस होगी, आसानी से ये मूव करेंगे. क्योंकि मैं प्रेसिंग फोर्स इसकी इस पे, इसकी इस पे फोर्स बहुत थोड़ी एग्जर्ट कर रहा हूँ, बहुत थोड़ी फोर्स लगा रहा हूँ, और नतीजा क्या निकलेगा कि बड़ी आसानी से फ्रिक्शन थोड़ी महसूस होगी और ये आसानी से मूव कर जाएंगे दोनों. लेकिन अगर इन्हीं हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाए, बहुत ज़ोर से प्रेस किया जाए, उस प्रेसिंग की वजह से क्या ये पाम्स, क्या ये हथेलियाँ आसानी से मूव करेंगी? बिल्कुल नहीं. अब इनकी मूवमेंट बड़ी मुश्किल हो जाएगी. वजह, हमने प्रेसिंग फोर्स इंक्रीज कर दी है. हालांकि सर्फेसिस वही हैं, वही हाथ, वही पाम, वही हथेलियाँ, लेकिन क्या किया हमने, हमने प्रेसिंग फोर्स बढ़ा दी, और नतीजा क्या निकला, इन हाथों का, इन हथेलियों का एक दूसरे पे मूव करना मुश्किल हो गया. सो सॉलिड्स के अंदर फ्रिक्शन कैसे असरअंदाज होती है? सबसे पहली चीज़, नेचर ऑफ द सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट. जो दो सर्फेसिस आप देख रहे हो कौन से हैं, उनकी नेचर कैसी है, रफ हैं, स्मूथ हैं, अच्छे हैं, कैसे हैं. रफ हैं तो फ्रिक्शन ज़्यादा, स्मूथ हैं तो फ्रिक्शन थोड़ी. जैसे मार्बल का फर्श हो और आप नंगे पाँव हो, चला जाएगा आसानी से? नहीं, फर्श की फ्रिक्शन बहुत थोड़ी होगी, हम गिर जाएंगे. इसी तरह क्या हो जी, नीचे सरफेस बड़ा रफ हो, ऊपर से आपने शूज़ भी बड़े रफ से पहने हो, तो क्या होगा, चलने में दुश्वारी होगी. वो दुश्वारी किस वजह से है, वो हम क्या कह सकते हैं कि फ्रिक्शन उस वक़्त क्या है, ज़्यादा है. तो सरफेस टू सरफेस इसी तरह अगर प्रेसिंग फोर्स बढ़ा दी जाए, अगर आप बहुत ज़ोर ज़ोर लगा के चलें, तो क्या होगा, आपको चलने में क्या पेश आएगी, मुश्किल पेश आएगी. प्रेसिंग फोर्स बढ़ा दी जाए तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली क्या करती है, बढ़ जाती है. अच्छा जी, अब इसी तरह बेटे सवाल है जी, फ्रिक्शन हमेशा मोशन पे ही असरअंदाज क्यों होती है? फ्रिक्शन का असर मोशन पे ही क्यों है? उसकी वजह है बेटे, जब हम जिस्मों को देखते हैं, वो जिस्म जो मोशन करना चाह रहे हों उनको देखते हैं, तो हमें कुछ चीज़ें नज़र आती हैं. मसलन दो सर्फेसिस को जब हम क्लोजली ऑब्ज़र्व करते हैं, तो हमें क्या दिखता है कि बेटे जो दो सर्फेसिस आपस में कांटेक्ट में होते हैं, उनके सर्फेसिस स्मूथ नहीं होते. मसलन आप अच्छे से अच्छा सर्फेस ले ले, आप एक बड़ा अच्छा खूबसूरत मुलायम शीशा खरीदिए, मिरर खरीदिए, उस मिरर का सर्फेस हाथ से टच करने में बड़ा स्मूथ लग रहा है, लेकिन जब उसे माइक्रोस्कोप के साथ देखेंगे तो उसके सर्फेस पे आपको क्या दिखाई देंगे, उसके सर्फेस पे क्या दिखाई देंगे बेटे आपको, पिट्स एंड बम्प्स. पिट्स एंड बम्प्स क्या चीज़ें हैं, पिट्स एंड बम्प्स हैं गड़े और खड्डे, गड़े और खड्डे, जिनकी वजह से हम, मैं मिसाल देता हूँ, जैसे हम रोड के ऊपर मूव कर रहे हों साइकिल पे, गाड़ी पे, अगर उस रोड के ऊपर जंप स्लो डाउन करने के लिए और खड्डे ज़्यादा हों, तो क्या हम अपनी स्पीड तेज़ रख पाते हैं? नहीं, फ्रिक्शन है, वो हमारी स्पीड के रास्ते में क्या आ जाएगी, रुकावट, हमें स्लो डाउन होना पड़े. इसी तरह हम जितने भी अच्छे से अच्छे सर्फेसिस को देखें, उन सर्फेसिस हमें क्या दिखाई देंगे, पिट्स एंड बम्प्स, गड़े और खड्डे, गड़े और खड्डे, जंप और क्या, उभार दिखाई देंगे. उन उभार और खड्डों की वजह से, उन उभार और गड़ों की वजह से क्या नतीजा निकलेगा, फ्रिक्शन इंक्रीज कर जाएगी. मतलब उन उभार और खड्डों की वजह से जब भी बॉडीज मूव करना चाहेंगी, वो आसानी से मूव नहीं कर पाएंगी. अब ये पिट्स एंड बम्प्स क्या करते हैं, जब भी दो सर्फेसिस एक दूसरे के ऊपर मूव करना चाहते हैं, तो ये पिट्स एंड बम्प्स क्या करेंगे, वेल्ड कर लेंगे, उन ऑब्जेक्ट्स को जोड़ देंगे. जैसे थोड़े वक्त के लिए आइस के दो टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाएं, तो क्या नतीजा निकलता है, ऊपर वाला आइस का टुकड़ा नीचे से क्या कर जाएगा, विद इन सेकेंड, दो चार सेकेंड के अंदर वो क्या करेगा, जुड़ जाएगा कि नहीं, वेल्ड कर लेगा कि नहीं, वेल्ड जुड़ जाना, कोल्ड वेल्ड, आपस में जुड़ जाएंगे. इसी तरह जब दो सर्फेसिस आप पड़े देखें, फ़र्ज़ कीजिए एक सर्फेस ये है, इसी तरह से दूसरा सर्फेस इसके ऊपर पड़ा है, जब इसे माइक्रोस्कोप के साथ इस जगह को देखा गया,
जहां वो कांटेक्ट कर रहे थे इस जगह को माइक्रोस्कोप के साथ देखा गया। तो क्या दिखाई दिया जी माइक्रोस्कोप के अंदर? माइक्रोस्कोप में हमें दिखा कि बेटे ये सर्फेसिस, इन सर्फेसिस के अंदर क्या है, पिट्स एंड बम्प्स हैं, पिट्स एंड बम्प्स हैं ऊपर वाले और निचले वाले सर्फेस में, जिसकी वजह से क्या होगा, ये एक दूसरे को पकड़ लेंगे, ये एक दूसरे में जोड़ कायम कर लेंगे। इनका चलना, इनका मूव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे दो कॉम देखें जी अपने क्या जी हेयर ब्रश, दो हेयर ब्रश को उल्टा करके एक दूसरे के ऊपर रख दे, बाद में मूव करवाना आसान है उन्हें? नहीं। क्या होगा, वो एक दूसरे को पकड़ लेंगे। इसी तरह से पिट्स एंड बम्प्स ऊपर वाले सरफेस में, पिट्स एंड बम्प नीचे वाले सरफेस में एक दूसरे को क्या करेंगे, पकड़ लेते हैं। और पकड़ने की वजह से यहाँ क्या क्या क्रिएट हो जाता है, यहाँ क्या बन जाता है, कोल्ड वेल्ड, कोल्ड वेल्ड्स बन जाते हैं। कोल्ड वेल्ड से क्या मुराद, जोड़ कायम हो जाता है, जुड़ जाते हैं। और फिर उन्हें मूव करवाना आसान होगा, मुश्किल होगा? ऑफ कोर्स मुश्किल होगा। जहाँ कोल्ड वेल्ड हो, जहाँ आइस के टुकड़े को ऊपर वाले को मूव करवाना फिर क्या होता है, आसान या मुश्किल? मुश्किल, हमें बड़ी ज़ोर से उसे हटाना पड़ता है, ऊपर से मूव करवाना पड़ता है। तो ये है जी पिट्स एंड बम्प्स की वजह से, पिट्स एंड बम्प्स की वजह से जो दो सर्फेसिस हैं उनका आपस में कांटेक्ट बन जाता है, उस कांटेक्ट की वजह से उसे क्या कहा जाता है, कोल्ड वेल्ड कहा जाता है। और कोल्ड वेल्ड से क्या होता है, फ्रिक्शन बढ़ जाती है, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाती है। अब ऊपर वाला सरफेस आसानी से निचले वाले सरफेस पे मूव नहीं करेगा, उसकी मूवमेंट में दुश्वारी आएगी, मुश्किल आएगी। अब वो मुश्किल कितनी होगी, अगर इसके साथ साथ हम देखते हैं बेटे क्या ये सरफेस निचले सरफेस पे वेट भी एग्जर्ट नहीं कर रहा, फोर्स भी लगा रहा कि नहीं लगा रहा, उस फोर्स की सिम्मत किस तरफ है, उस फोर्स की सिम्मत किस तरफ है, नीचे की तरफ। और इस पर रिएक्शन की फोर्स किस तरफ है, ऊपर की तरफ। हम जानते हैं कि किसी भी जिस्म का वजन किस तरफ है, नीचे की तरफ, और रिएक्शन की फोर्स किस तरफ होती है, ऊपर। रिएक्शन कौन एग्जर्ट करेगा, नीचे वाला ऊपर की तरफ, ऊपर वाला नीचे की तरफ। तो ये दोनों मकदारें बराबर हैं, और एक हमें फोर्स लगानी पड़ेगी क्या करने के लिए, इसे ड्रैग करने के लिए, इसे खींचने के लिए। राइट साइड पर अगर मैंने इसे खींचना है तो मुझे एक फोर्स लगानी पड़ेगी, और फोर्स क्या होगी, उस फोर्स का नाम है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। हम जानते हैं कि फ्रिक्शन एक लिमिट से ज़्यादा नहीं हो सकती, एक ख़ास लिमिट है। वो लिमिट क्या होगी, एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा फोर्स नहीं हो सकती। देखिए ना, अगर आइस के टुकड़े पे फोर्स लगाते जाए, एक वक्त है जिसके बाद उस आइस के टुकड़े को क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। इसका मतलब वो आखिरी हद जिसके बाद बॉडी क्या करना शुरू कर दे, वो आखिरी लिमिट जिसके बाद बॉडी क्या करना शुरू कर दे, मोशन करना शुरू कर दे, उस हद का नाम, उस फ्रिक्शन का नाम, उस रुकावट का नाम क्या है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर उससे ज़्यादा फोर्स लगाना शुरू कर दोगे तो जिसम क्या करना शुरू कर देंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। अगर इस ब्लॉक को इसके ऊपर मूव करवाना है तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा क्या लगाओ, फोर्स लगाओ, तो जिसम क्या करना शुरू कर देगा, वो मैक्सिमम फोर्स जो क्या कायम करे, जो क्या पैदा करे, फ्रिक्शन पैदा करे, जो रुकावट पैदा करे, जो इसे रोके, जो इसे मूव ना करने दे, उस फोर्स का नाम है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। और आप जानते हैं कि अगर मैं रिएक्शन की फोर्स बढ़ाता जाऊंगा, इसके ऊपर मजीद मैं प्रेसिंग फोर्स भी अगर लगाना शुरू कर दूं, तो नतीजा क्या निकलेगा, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कम होना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप खुद अंदाज़ा कीजिए, अगर मैं हथेलियों की फोर्स बढ़ाना शुरू कर दूं तो क्या नतीजा निकलेगा, ऊपर वाली हथेली का निचली पे मूव करना आसान होगा, मुश्किल होता जाएगा। इसका मतलब प्रेसिंग फोर्स के बढ़ाने से फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या करना शुरू कर देती है, बढ़ना शुरू कर देती है। सो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन वो फोर्स है, वो आखिरी हद है, वो आखिरी लिमिट है, वो आखिरी मुजाहमत है जो दरपेश हो बॉडी को मूव करवाने में। तो इसलिए हम जानते हैं कि जितनी प्रेसिंग फोर्स बढ़ाओगे, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ती जाएगी, मूव करवाने में मुश्किल आती जाएगी। और जितनी प्रेसिंग फोर्स कम करते जाओगे, जितना जिस्म का वजन कम होगा, उतनी लिमिटिंग फोर्स, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती जाएगी। सो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को किससे जाहिर करते हैं, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को किस सिंबल से जाहिर करते हैं, Fs, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो मैक्सिमम हद जो क्या हो, हमें बॉडीज को मूव करवाने में रुकावट पेश करे, वो मैक्सिमम ताकत जो हमें रोकेगी जब हम ऊपर वाले जिस्म को क्या करना चाहेंगे, निचले पे मूव करवाना चाहें। उसके बाद अगर उससे ज़्यादा लगाई तो बॉडी क्या करना शुरू कर देगी, मूव करना शुरू कर, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट का नाम है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। वो किसके बराबर है,
कांस्टेंट से क्या मुराद है? एक ऐसी वैल्यू जो दो चीज़ों की रेशियो है। यहाँ पे दो फोर्सेस आपको नज़र आ रही होंगी, एक रिएक्शन की फोर्स और एक फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो कोएफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट है, जो एक कांस्टेंट है, वो बेटे किसके बराबर है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो किसके बराबर है? उसको हम जाहिर करते हैं म्यू के साथ, और म्यू एक रेशियो है किन दो चीज़ों के दरमियान? दो चीज़ों के दरमियान, एक फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और एक दूसरी फोर्स जिसका नाम क्या है? रिएक्शन फोर्स। तो क्या है जी? एफ एस ओवर आर, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एफ एस ओवर आर। अब यहाँ से अगर मुझे फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का फार्मूला चाहिए तो बेटे ये डिवाइड हो रहा है, इधर आ क्या करेगा? मल्टीप्लाई, तो एफ एस किसके बराबर आ जाएगा? म्यू आर। इक्वेशन नंबर वन बन गया। अब मुझे बताइए रिएक्शन फोर्स कितनी होती है? जितना किसी जिस्म का वजन हो, जितना वेट हो उतनी ही रिएक्शन फोर्स। अगर मैं किसी चीज़ को उठाए हुए हूँ, जितना इसका वजन नीचे है उतनी ही इसके ऊपर ऊपर की तरफ क्या लग रही है? रिएक्शन फोर्स। इसका मतलब ये जो रिएक्शन की फोर्स है, ये जो रिएक्शन की फोर्स है वो असल में वजन के बराबर है। या इसका मतलब ये जो आर है दैट इज़ बेसिकली इक्वल टू वेट, और वेट इज़ इक्वल टू एम जी। नाउ वी कैन पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर वन। तो एफ एस का रिजल्ट क्या आ जाएगा? पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर वन, एफ एस किसके बराबर आ जाएगा? म्यू आर की जगह एम जी। देन दिस इज द फार्मूला ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो मैक्सिमम फ्रिक्शन। जब भी आप किसी सरफेस में मूव करना चाहें तो जितनी आपको मैक्सिमम रुकावट महसूस होगी उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। मैक्सिमम रुकावट जब आप ज़मीन पे चलना चाहें, मैक्सिमम रुकावट जब ये हथेली इस पे चलना चाहे, मैक्सिमम रुकावट जब टायर रोड पे चलना चाहे, उसकी वैल्यू ये है। तो बेटे ये फ्रिक्शन हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रिक्शन हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है, भागने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत है, चलने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत है, एक प्लेयर को ग्राउंड के अंदर फ्रिक्शन की ज़रूरत है कि नहीं? इस एक स्पोर्ट्समैन को भागने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत है। इसी तरह क्या जी, कपड़े धोने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत है, मशीनों के अंदर फ्रिक्शन की ज़रूरत है। फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है, गाड़ियों को रोकने में फ्रिक्शन की ज़रूरत है। सो फ्रिक्शन इज़ नीडेड टू वॉक ऑन ग्राउंड, इट इज़ रिस्की टू रन ऑन अ वेट फ्लोर विद शूज़ दैट हैव स्मूथ सोल्स। आप जानते हैं कि अगर आप एक शूज़ जिनके सोल स्मूथ हैं वो पहन लें तो क्या होगा? एक स्मूथ सरफेस पे चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह एथलीट्स यूज़ स्पेशल शूज़। एथलीट्स क्या करते हैं? नुकीले, नीचे आप देखते हैं उनके नुकीले शूज़ होते हैं। उसका मकसद क्या होता है कि जहाँ जब मर्जी चाहें ब्रेक लगा लें, स्टॉप कर जाएँ, रुकावट महसूस हो जल्दी से रुक जाए, उन्हें ग्रिप करने में क्या हो, आसानी हो। और इसी तरह से जब आप क्या करें, हिच हाइकिंग पहाड़ों पे चढ़े हो, तब भी आप कैसे शू चाहेंगे? तब भी कैसे शू चाहेंगे? ऐसे शू जिनकी ग्रिप अच्छी हो, जिनकी फ्रिक्शन अच्छी हो, जिनकी रुकावट अच्छी हो। सो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर फ्रिक्शन चाहते भी हैं, नहीं भी चाहते। सो फ्रिक्शन बड़ी ज़रूरी है, हमारी लाइफ का हिस्सा है। सो ये कुछ चीज़ें थी फ्रिक्शन के मुतल्लिक। सो हमने बेटे एक टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था फ्रिक्शन। उसमें हमने ब्रीफली डिस्कस किया फ्रिक्शन किस तरह से सरफेस टू सरफेस वेरी करती है, किस तरह से रिएक्शन फोर्स के बढ़ने से फ्रिक्शन बढ़ जाती है, किस तरह से फ्रिक्शन मोशन पे ही असरअंदाज होती है, पिट्स एंड बम्प्स की वजह से कोल्ड वेल्ड बन जाता है, ऊपर वाली बॉडी नीचे पे आसानी से मूव नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि उसकी फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और उसकी वजह ऊपर का वेट है, ऊपर की रिएक्शन फोर्स है, उनके सर्फसीज़ हैं, और ये सारी चीज़ें हमने तफसीलन देखी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा लेक्चर समझ आया होगा। मेरी मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।